रत्नम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगते दुख तय काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमा मार्दव और आर्जव का स्वरूप हम देख चुके हैं। अब ध्यानत राय जी कृत 10 लक्षण धर्म पूजन के पंक्तियों के आधार से उत्तम शौच धर्म का स्वरूप भी देखेंगे। शुचेर भाव शौचम अर्थात शुचिता पवित्रता का नाम शौच है और उत्तम यहाँ सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, यानी सम्यक दर्शन सहित जो आत्मा की वितरागता रूप परिणति होती है उसको उत्तम शौच धर्म कहेंगे। पवित्रता आत्मा की पवित्रता का घात होता है लोभ कषाय से। क्रोध मान माया उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और अब चौथा है लोभ। लोभ कषाय का अंत होने से एक तरह मान लो तीनों कषायों का अंत हो जाता है, यानी अकेले लोभ कषाय के अंत से तीनों कषाय का अभाव हो जाता है। तो लोभ कषाय इसलिए सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी भी कही जाती है। पंक्तियाँ देखते हैं। धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देहसो, शौच सदा निर्दोष धर्म बढ़ो संसार में। कि जो शौच धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, क्यों? क्योंकि उसने इतने बड़े विलेन को हराया। तो जिस हीरो ने इतने बड़े विलेन को हराया वो हीरो इन टर्न बड़ा कहला दिया जाता है। वैसे ही क्योंकि शौच धर्म ने इतने बड़े लोभ कषाय को अभाव किया इसलिए शौच सबसे बड़ा धर्म कहलाने लगा। तो शौच सदा निर्दोष, शौच हमेशा निर्दोष रहता है इसलिए सबसे बड़ा धर्म है संसार में। लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति देखते हैं, लोभ कषाय की क्या हानि है। लोभी येन केन प्रकारेण अपनी कार्य सिद्धि में रत रहता है। उसके सामने कौन आए, कैसे प्रकार से आए, किस लिए आए, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी कार्य सिद्धि से मतलब रहता है। अपने इष्ट पदार्थ की इच्छा के लिए वह अनेक उपाय भी सोचता है, उसका जो मन पड़े वही करता है। अगर उसके लिए पाप को रिजॉर्ट करना पड़े या फिर सप्तव्यसन करना पड़े या कषाय करना पड़े तो वो भी करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी कार्य की सिद्धि चाहता है। लोभ को सबसे बड़ी कषाय कही जाती है और उसको पाप का बाप भी कहा जाता है। अगली पंक्तियाँ में देखते हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। कि उत्तम शौच सब जानते हैं और लोभ को पाप का बाप कहते हैं। लोभ को पाप क्यों? पहली बात तो वो चार कषायों के अभाव में होता है। दूसरा, अकेले लोभ कषाय के अंत, लोभ कषाय के अंत का अर्थ लेना लोभांत कषाय, यानी लोभ है अंत में जिस कषाय के, ऐसी कषाय तो उसमें 2500 कषायें आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि लोभ का अंत 25 कषायों के अंत के साथ होता है, इसलिए सबसे अंत में भी होता है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। लेकिन एक बार ये छूट जाए तो फिर अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए लोभ का अंत करना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत शास्त्र में भी नरक ले जाने वाली जितनी भी कषायें हैं, जितने भी कार्य हैं, सब लोभ के कारण होते हैं। फिर आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। कि आशा रूपी पास जो जाल है वो महादुखदानी है, बहुत दुख को देने वाली है। सुख पावे संतोषी प्राणी, और सुख सिर्फ जो धैर्य शांति सहजपना धारण करता है, सहजता धारण करता है, वो जो संतोष धारण करता है वो ही सुखी रहता है। अब कषायों को मुख्यतः चार भागों में विभाजन किया जाता है, सॉरी लोभ को चार भागों में विभाजन किया जाता है जिसमें सारी कषायें, सारे पाप, सारी लेशियाँ, सारे व्यसन सब आ जाते हैं, सॉरी लेशियाँ नहीं, सारे व्यसन आ जाते हैं। यश का लोभ, रूप का लोभ, नाम का लोभ और काम का लोभ। यश का लोभ यानी मेरी प्रभावना हो, सब मेरी बातों को जाने, हर जगह मेरी कृति फैले, जो मैंने किया वो सब तक पहुँचे कि मेरी प्रभावना हो, मैं ही फैलूँ हर जगह, मैंने काम इतना सा किया हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई जाने उसके बारे में। फिर रूप का लोभ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर ले लो, कि हम जो भी करते हैं अच्छा दिखने के लिए, कि हमें पिंपल्स हटाने हैं, कि हमको गोरा होना है, कि हम जो भी करते हैं उस पर्टिकुलर ब्यूटी कैटेगरी या क्राइटेरिया को मैच करने के लिए, वो रूप का लोभ हो जाता है। फिर नाम का लोभ, कि मेरा नाम हर जगह पहुँचे, कि मैंने जो काम किया उसके लास्ट में लिखा जाए कि बाय डैश एक्स वाई जेड, जो जैसे जो मूवीज़ होते हैं उसके लास्ट में जो 5 मिनट के क्रेडेंशियल्स देते हैं, उसमें भले ही किसी ने बहुत कम काम किया हो मूवी को सपोर्ट करने के लिए, कि मूवी के फ़ायदे के लिए, लेकिन उसका नाम वहाँ पर लिख दिया जाता है। हर छोटे से छोटे काम का भी नाम, पर्सन का भी नाम वहाँ लिख दिया जाता है। तो वैसे ही कुछ लोग काम भी इसलिए करते हैं कि उनका नाम सिर्फ वो लास्ट के हिस्से में लिखा जाए, तो नाम का लोभी और फिर काम का लोभी। जैसे हम देखते हैं हाथी, हथिनी के स्पर्शन के लिए उसके जाल में फंस जाता है और हंटर के द्वारा पकड़ा जाता है।
ऐसे ही जो राजाएं थे पहले जमाने के, उन्हें नहीं फर्क पड़ता था कि उनके सामने अमीर हो या गरीब स्त्री हो, अगर वो रूप पे मुग्ध हो गए और अगर उनको काम की इच्छा है तो फिर वो उससे शादी कर लेते थे। एक तरह से पंचेंद्रियों के विषयों में जितना भी हमारा प्रेम है वो भी लोभ की कैटेगरी में आ जाता है। उसमें हर इंद्रियों के पर्टिकुलर लोभ आप देख लो, स्पर्शन इंद्रिय का, रसना का देख लो, जैसे रसना में जो मछली होती है वो उस पर्टिकुलर पदार्थ को खाने की इच्छा में पकड़ी जाती है क्योंकि उसको उसका लोभ होता है। यानी पांच इंद्रियों के विषय में अगर आप रत हो, अगर आप उसमें प्रवृत्त हो, तो आप भी लोभी की कैटेगरी में आ ही जाते हो। तो दिन से लेकर शाम तक हम पांच इंद्रियों में लगे ही रहते हैं तो हम लोभी कहलाते हैं। लेकिन इन सब पदार्थों, इन सब कैटेगरी में धन का लोभ ही कहीं नहीं आता। तो लोगों को ये मिथ हो जाता है कि धन को इकट्ठा करना, कि धन को अपने साथ रखना लोभ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नाम जितने भी लोभ या जितने भी परिग्रह उनमें तो आया नहीं है। यानी धन को इकट्ठा करना पाप की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि धन का लोभी का नाम स्पेसिफिकली नहीं दिया, रुपया पैसा का, मनी का, नोट का, रुपया पैसा का नाम नहीं दिया, क्योंकि पैसा एक कृत्रिम चीज़ है, मनुष्य भव की नई कमाई है। यानी पैसा तो एक बस माध्यम है उन पंच इंद्रियों को के विषय के भोगों के लिए। पैसे के थ्रू आप पांच इंद्रियों में लगे रहते हो और हमको पांच इंद्रियों के प्रति जो लोभ है उससे आपत्ति है। इसलिए पैसा क्योंकि एक माध्यम है तो उसको भी लोभ की कैटेगरी में ही गिनना चाहिए। जबकि लोभ की अधिकता तो देवगति में होती है, लेकिन वहां पर तो ऐसा रुपया पैसा का सिस्टम ही नहीं चलता। तो उसको कैटेगरी, उसका क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए लोभ का। यानी धन और रुपया पैसा आदि को लोभ का कैटेगरी नहीं बनाना चाहिए। और दोडेमल जी पैसे के, धन के लोभी को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि जो धन का लोभी है वो पूरे जीवन भर धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है और भोगने का तो उसे समय ही नहीं मिलता है। फिर लास्ट में अगर कदाचित उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया तो शरीर उसका साथ नहीं देता है, और अगर ये इकट्ठा करने के बाद वो मर जाए तो उस धन का लाभ तो वो नहीं ले पाता, इंटर्न जो उसकी पीढ़ी टू पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो ले लेते हैं। यानी धन का लोभ ही पूरा टाइम इकट्ठा करने में लगा रहता है और धर्म को बाद के लिए छोड़ देता है, उसके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है और उसके भी इल इफेक्ट्स होते हैं। फिर आगे पंक्तियाँ कहते हैं, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते नित गंग जमुन समुद्र नहाए अशुचि दोष स्वभावते। कि ये जो शरीर है वो स्वभाव से ही अशुचि है, जो पुद्गल है वो स्वभाव से ही अशुचि है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि बाहर से साफ करने से हम भी पवित्रता की उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो हम बाहर से हमेशा गंगा यमुना में नहाते हैं कि हम हमारे कर्मों को धोने की कोशिश करते हैं, हम वो पवित्रता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम व्यवहार तक ही सीमित रह जाते हैं। जबकि असली शुचिता है जब प्राणी सदा हमेशा शील जप तप ज्ञान और ध्यान में लीन रहता है। आगे उदाहरण देते हैं, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कि जिसके अंदर से कचरा भरा हुआ है, कि जिसके अंदर से जो जो घड़ा जिसके अंदर से कौन विधिगत शुचि कहे, कि वो घड़ा जिसके अंदर मैल भरा पड़ा है उसकी ओर तो हमारा ध्यान जाता नहीं है। हम बाहर से घड़े को साफ करने में हमेशा सदा प्रयत्न करते रहते हैं, हमें लगता है बाहर से साफ करेंगे तो अंदर तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा तो होता नहीं है। यानी बाहर से हम साफ करने में लगे रहते हैं और निश्चय तक पहुंचते नहीं, व्यवहार तक ही सीमित रह जाते हैं। जो नहाना धोना और ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब बाहर की पवित्रता के लिए होती है, पर अंदर की पवित्रता तक हम पहुंचते नहीं हैं। बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे। यानी ये जो देह है ये बहुत मैली है और बहुत ही मैली कुचैली और अपवित्र है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये पवित्र आत्मा विराजमान रहता है तो वो सुगुणों की थैली बन जाती है। यानी इस भगवान आत्मा के प्रेजेंट होने से ही देह पवित्र हो जाता है, जबकि है देह स्वभाव से अशुचि, है देह स्वभाव से अपवित्र। शौच गुण साधु लहे, इसीलिए जो असली शौच धर्म है वो साधुओं के पलता है, क्योंकि भले ही वो स्नान व्रत रखते हैं कि वो अदंत धोवन रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने वो रागादि भाव पर प्रहार किया है, निश्चय से उन्होंने प्रहार किया है, इसलिए व्यवहार से अगर उनका देह गंदा भी हो, मैला कुचैला भी हो, बांस मारने वाला भी हो, तो भी वो शुचि धर्म को पालन निरंतर करते रहते हैं। इसमें दादा की पंक्तियाँ आती हैं कि यदि हड्डी अपवित्र है तो वो तेरी ना ही, कि अगर हड्डी गंदी है तो वो तेरी नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव ही अशुचि है और आप तो वो है नहीं। और खून भी अशुचि है वह पुद्गल परछा ही, कि अगर खून अशुचि है तो वो भी पुद्गल की ही पर्याय है, तो वो हमारा हिस्सा नहीं है। तो हमारा हिस्सा क्या है, हम शुचि कैसे हो, तो तेरी शुचिता ज्ञान है,
एकमात्र शुचिता जो हमारे अंदर है वो हमारा ज्ञान ही है, और अशुचि राग। और अगर कोई चीज़ को अपवित्र कह सकते हो तो वो सिर्फ वो राग है जो हमें कषाय, लोभ, पाप आदि क्रियाएं करवाता है, कषाय करवाता है। यानी वो जो राग है वो राग रूपी आग को त्याग कर निज को निज में पाक, कि उस राग रूपी आग पर प्रहार करके हमें स्वयं में लीन रहना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो शरीर निश्चय से ही अपवित्र है, लेकिन अगर हम हमारे निश्चय आत्मा पर प्रहार करें और रागादि का अभाव करें तो इस अशुचि देह के रहते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अरहंत दशा, उनके शरीर विद्यमान है, वो सकल परमात्मा है, लेकिन क्योंकि उनका निश्चय से राग द्वेष मोह आदि का अभाव हो चुका है, मिथ्यात्व का नाश हो चुका है, इसके लिए उस अशुचि देह में रहते हुए भी उनकी आत्मा पवित्र ही रहती है। यानी उनकी आत्मा निरंतर शुचि ही रहती है। ओके, अमृत चंद्राचार्य और सूक्ष्मता पर विचार करते हैं, और वो तो अर्थ जो उनके पास धर्म, जो जो आचार्य के पास जो श्रावक आते हैं, जो ग्रस्त आते हैं धर्म का कुछ जानने के लिए, कोई ज्ञान ग्रहण करने के लिए, धर्म का स्वरूप समझने के लिए, वो तो उनको भी धर्म के लोभी से एड्रेस करते हैं कि आप धर्म के लोभी हैं इसलिए आप हमारे पास आए हैं। मतलब उस सूक्ष्म लोभ का भी त्याग करना चाहिए, वो और जानने की इच्छा का भी त्याग करना चाहिए। इस तरह से हमने मोटा मोटी शौच धर्म के सारे एक एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आप इस धर्म का स्वरूप समझें। जिस प्रकार पारस मणि, पवित्र पारस मणि को छूकर भी लोहा भी सोने जैसा हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा का स्वरूप छूकर हम भी व्यवहार से, उस व्यवहार से तो शुचिता धारण करें पर निश्चय तक जाने का भी प्रयास करें, यही भावना है। जय जिनेंद्र।